Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RIDAS AGRO farms animal feeds water and silage का ये वीडियो था. ये भी आप देख सकते हो साइलेज है. चार साल तक इसकी लाइफ रहती है. जानवरों को चारा मिलता है. ये 320 किलो के पैकिंग में आती है. इसका भी मेरा बहुत अच्छा काम हुआ था. बहुत मेहनत लगता था इसके अंदर. ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी सप्लाई थी इसकी. 60 किलो के पैकिंग से लेके 320 किलो के पैकिंग तक का आता था. ये 60 किलो के पैकिंग का है. मेरा बताने का मतलब ये है कि मैंने कारोबार किया, बिजनेस ही किया. बहुत अच्छा ये 1.5 साल से मेरा ये मार्केट बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था. एक मोनोपोली थी मेरी, ये अभी भी मोनोपोली है. एक साल से ये मसलों में उलझ करके इससे सब काम मैंने जब से छोड़ा, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इतने सब मसले खड़े हो गए. पिछले एक साल से ये सब मुसीबतें आई हमारी कंपनी के ऊपर, आप लोग के ऊपर भी आई. नहीं तो फिर जनवरी तक का, दिसंबर तक का बहुत अच्छे से चला. अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी का भी बहुत अच्छे से चला. उसके बाद से ही सारी मुसीबतें आई. गलतियां तो बहुत सारी होती है आगे पीछे, जान के अनजाने में भी होती है. मगर एक साल से जब से नई ऑफिस खुली सामने से और बहुत सारी कंपनियों का बवाल हुआ, तो लोग हावी हो गए. मुझे ये सब काम करने का मौका ही नहीं दिए. अगर मुझे थोड़ा बहुत उस टाइम पे सपोर्ट मिलता तो मैं डर डर के पैसे उठा उठा के दे दिया ये सब कारोबार से, चलते कारोबार से. इसीलिए आज ये मुसीबत आ गया मेरे ऊपर. मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, आप वापस से एक बार सोचिए इसको हम लोग कायम कर सकते हैं या फिर पैसे की वापसी की शक्ल भी इंशाल्लाह मैं ही बना के दे सकता हूँ, मैं ही करके दे सकता हूँ इंशाल्लाह ये पैसे की वापसी. मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए, वक्त दीजिए. इंशाल्लाह सबके पैसे अदा करना चाहता हूँ, मैं सबके पैसे देना चाहता हूँ. ये बहुत बड़े पैमाने में मैंने कारोबार को फैलाया था. इसके अंदर ना तो GST है, ना तो इनकम टैक्स है, ना तो कुछ है. ये बहुत लीगल कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार था, मुनाफे वाला कारोबार था मेरा ये. अब इसके अंदर कंपटीशन के हिसाब से बहुत कम कंपटीशन था मेरा. ये फार्म के अंदर पूरा स्टॉक तकरीबन 4,500 बकरों का है. ये फार्म है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी आकर के देख करके भी गए हैं, अपने आँखों से देखे हैं, मेरा कारोबार भी देखे हैं, मेरा फार्म भी देखे हैं, बकरों का भी जायज़ा लिए, ये सब कामों का भी जायज़ा लिए हुए हैं. बस अल्लाह से दुआ है कि देखो हर किसी को एक लगता है नज़र या कुछ भी ऐसा होता है जिसके अंदर इंसान गिर जाता है. आज लोगों के थोड़े बहुत पैनिक की वजह से आज जो माहौल बना है, सिर्फ इसी वजह से मैं आज मैं मजबूर हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ. आप लोग की ताकत रहेगी इंशाल्लाह या तो पैसे वापसी करने का तरतीब बनाकर पैसे भी वापस करना चाहता हूँ. मुझे सब कोर्ट के चक्करों में उलझना नहीं है, आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं देना है. आज मैं परेशान हूँ तो सिर्फ आप लोगों के पैसे वापस करने के चक्कर में ही परेशान हूँ. बिला वजह का मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई. ये ऑर्गेनिक फीड हाइड्रोफोनिक सिस्टम है, ये अपने फार्म पे लगा है. सॉइललेस फीड बनते थे. ये बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे कारोबार के मुतालिक मैं खुल के बता नहीं सका. आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग भी जानो कि मैंने मेहनत करके बहुत बहुत मेहनत करके बहुत बहुत मेहनत करके इस चीज़ को खड़ा किया था. पिछले एक साल से इस मसलों में उलझ करके मैंने अपना काम धाम सब छोड़ के ये मसलों में उलझ गया. तब मेरा बिज़नेस ऊपर नीचे हो गया. चलते कारोबार पे मैंने ऐसा सब पैसे उठाकर देकर आज मैं प्रॉब्लम में आ गया. ये तो आज भी मुनाफा चलता रहता था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था, सब चीज़ सही जगह पे था. वापस से इंशाल्लाह इसको
खड़ा करने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास तो रेडी है। बस आप लोग अगर इत्मीनान रखते हैं तो इंशाल्लाह पैसे वापसी की भी सूरतें बना दूंगा इंशाल्लाह। अभी और लंबा मुझे खींचना नहीं है, मैं सब दे करके छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं भी परेशान हूँ। बराए करम अल्लाह पे भरोसा रखिए, इत्माद रखिए, इंशाल्लाह आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये सब मेरा कारोबार था, ये सब चल रहा था, जुलाई तक का भी मेरा कारोबार चल रहा था, मगर जिस पैमाने पे चल रहा था दिसंबर से पहले उस पैमाने पे नहीं है। हाइड्रोफोनिक है, हाइड्रोफोनिक सिस्टम भी हम लोग ने चालू किए थे, ग्रास बिना मिट्टी के, इसमें हाइड्रोफोनिक ये भी हमारा सप्लाई होता था, हाइड्रोफोनिक ग्रास, इसका भी प्लांट लगाया था मैंने, अभी भी है, आप फार्म पे कभी भी कोई भी आके देख सकते हो। ये 7 दिन में ग्रास रेडी होता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम मैंने बना करके रखा था। इंशाल्लाह आप मौका दीजिए, इंशाल्लाह पैसे वापस करना चाहता हूँ मैं, आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, रास्ता बताइए, इंशाल्लाह वैसे ही काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।